गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास मैंने क्या लिया था आप लोगों का? मम विद्यालय। मम विद्यालय के चैप्टर ही आप लोगों का वो हमने पढ़ाया था, इफ यू रिमेम्बर। एंड नाउ आई कंटिन्यूइंग द सेम। तो मम विद्यालय में मैंने कुछ लाइंस भी आप लोगों को बताए थे, तो क्या आप लोग बता सकते हो, लिख सकते हो? मम विद्यालय पे अगर कहा जाए कि पांच वाक्य लिखो, राइट द फाइव सेंटेंस इन संस्कृत, द टॉपिक इज मम विद्यालय। तो मैं यहाँ राइट डाउन करती हूँ, आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। मम विद्यालय, अगर आपको कहा जाए फाइव सेंटेंस यू राइट इन संस्कृत, नॉट इन इंग्लिश और हिंदी और गुजराती, इन संस्कृत, दे यू शुड राइट द प्रॉपर वे द ओनली फाइव लाइन्स। यू आर इन क्लास सिक्स, सो नॉट वेरी लेंथी, ओनली फाइव लाइन्स यू कैन राइट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। आई एम टीचिंग यू एंड यू नॉट कोई भी इसमें आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, डोंट वरी। तो मम विद्यालय, अब हम लोग ये कुछ भी आप लोग बताओ कौन सा लाइन, आई एम, यही से शुरू करो। तो आई एम रीडिंग इन द तेजस स्कूल, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, ऐसे भी बोल सकते हो माई स्कूल इज वेरी बिग। तो मम विद्यालय यहीं से स्टार्ट करो, एक लाइन, मम विद्यालय देखो। एक चीज और मैं बता रही हूँ, जो ये जो विद्या द्या वर्ड है, ये आप लोग कभी कभी क्या करते हो, ऐसे ध जैसा लिख देते हो, ध विद्यालय, तो विद्यालय हो जाएगा ना। ध और द क्या है, ऐसे द लिखे, मान लो छोटा द लिखे और इसी में द या संयुक्त है, आप द अलंत और य ऐसे लिखोगे, ये द्य होता है और इसी चीज को आप लिखोगे, ऐसे द लिख दिया और इसी को यहाँ से य बना दिया, तो लाइक दैट ये बन गया ना विद्यालय, बन गया ना क्या। तो ऐसे लिखने का स्टार्ट करना, और घ, इन तीनों में आपको फर्क पता होना चाहिए, ध ये घ और ये द्य, तो इन तीनों को आप लोग ठीक से लिखने का प्रैक्टिस करो बेटा। गलत हो जाने से क्या है, मीनिंग गलत हो जाता है ना, अभी विद्यालय हो जाएगा तो कट कर दिया जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक में नंबर कट हो जाएंगे, और अगर सही स्पेलिंग लिखते हो, हलंत सही से डालते हो, विसर्ग सही से डालते हो, तो मैं बार बार बोलती हूँ इसमें जो है आपको मैथ्स के जैसे मार्क्स मिलते हैं, नंबर नहीं कटते हैं इसमें, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा सकते हो। और अगर ये गलत कर दिया तो विद्यालय क्या वर्ड है, विद्यालय नहीं है वर्ड, विद्यालय वर्ड है, तो ज़्यादा नहीं तो 5.5 तो कटेंगे, इसलिए इसमें फर्क पहचानना सीखो। देखो द्य, द लिखा, द लिखा और द पर ये है, यहीं से य बना दिया, यहीं से य बना दिया, तो जल्दी जल्दी लिखने में आपको ऐसे हो जाता है, देखो द हुआ, द हुआ और यहाँ से य निकल गया, द्य बन गया। तो मम विद्यालय विशाल अस्ति, मम विद्यालय विशाल, मम विद्यालय विशाल अस्ति, ये देखो एक सेंटेंस मिल गया। सेकेंड हो गया विद्यालय के विषय में ही बोलना है कि अस्माकं विद्यालय
कक्षा संधि, यहाँ पे संधि आएगा, अस्थि नहीं, क्योंकि ये बम्बन है और कक्षा है पुडल है ना, इसीलिए संधि। यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस हैं, इसका मीनिंग ये है। अत्र एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, यहाँ एक सुंदर बगीचा है। मम विद्यालये प्रतिवर्षे वार्षिकोत्सवः अति गुणिनः शिक्षकः अति अतीव गुणिनः सन्ति, गुणी गुणिनः गुणिनः मतलब जो है टीचर लोग बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे सिक्स हो गए, और भी कोई आप लोग कोई भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। Thank you.
ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बना करके और भी आप लोग ऐड कर सकते हो जो भी आपकी इच्छा हो। तो मम विद्यालय विशाला अस्ति, माय स्कूल इज वेरी बिग, अस्माकं विद्यालय बहुत कक्षा अस्ति, देयर इज सो मेनी क्लासेस इन माय स्कूल, इन आवर स्कूल, अत्र एकं सुंदरं उद्यानम् अस्ति, हियर वन ब्यूटिफुल गार्डन इज ऑल्सो हियर, एक पुस्तकालय अभी अत्र अस्ति एंड वन लाइब्रेरी इज ऑल्सो हियर। मम विद्यालय प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव भवति, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट अ एनुअल डे हियर। शिक्षिका अति पुण्या सन्ति, द टीचर्स आर वेरी एजुकेटेड हियर एंड अत्र प्रार्थना कक्ष अभी अस्ति, हियर अ प्रेयर रूम इज ऑल्सो इन माय स्कूल एंड क्रीडा सामग्री अभी मम विद्यालय सन्ति एंड सो मेनी द प्ले सो मेनी क्या प्ले क्रीडन सामग्री मतलब द इंस्ट्रूमेंट और यू कैन से कि मेनी टाइप्स ऑफ गेम इज हियर इन माय स्कूल, मेनी टाइप्स ऑफ गेम इज हियर इन माय स्कूल एंड सी द चैप्टर नाउ। पश्य अनिल, एषा मम विद्यालय, राजीव कथयति, राजीव इज सेइंग दैट हिज फ्रेंड अनिल टू हिज अनिल, एषा मम विद्यालय, दिस इज माय स्कूल, मम विद्यालय सुंदरा अस्ति, माय विद्यालय माय स्कूल इज वेरी ब्यूटिफुल। सत्यम, विद्यालय विशाल अपि अस्ति, तो द फ्रेंड इज रिप्लाइंग दैट ऑल राइट वेरी गुड योर स्कूल इज ह्यूज ऑल्सो। राजीव, अहम प्रतिदिन विद्यालय आगच्छामि, आई कम टू स्कूल डेली। विद्यालय से आरंभ कदा भवति, दे द फ्रेंड आस्क्स कि व्हेन योर स्कूल इज स्टार्ट, मम विद्यालय से आरंभ एकादश वादने भवति, दे द राजीव रिप्लाइड दैट माय स्कूल इज स्टार्ट्स एट 11 o'clock, आरंभे अहम प्रार्थना खंडम गच्छामि एंड इन द बिगनिंग आई गो टू द प्रेयर प्लेस एंड तत्र अहम प्रार्थना करोमि एंड देयर आई डू द प्रेयर। भवता वर्गखंडः कुत्र अस्ति एंड यू वेयर इज योर क्लासरूम, मम वर्गखंड प्रार्थना खंडस्य समीपे एव अस्ति, तो माय मम मतलब माय माय क्लासरूम इज नियर टू द प्रेयर रूम, जो प्रेयर रूम है उसके नजदीक ही मेरा ये है, तो माय क्लासरूम इज नियर बाय द प्रेयर रूम। भवता वर्ग शिक्षक का अस्ति, योर क्लास हु इज योर क्लास टीचर, हर्षा महोदया मम वर्ग शिक्षिका अस्ति, तो बोल रहे कि हर्षा बेन इज माय क्लास टीचर, सा संस्कृत पाठयति, सी टीचेस मी संस्कृत। भवता विद्यालय पुस्तकालय अस्ति वा, योर इन योर स्कूल देयर इज एनी लाइब्रेरी इज देयर, आम हम पुस्तकालय पुस्तकम पठामि, आम मतलब हाँ, यस आई एम रीडिंग देयर बुक्स। मम विद्यालय विशाल क्रीडांगणम अपि अस्ति एंड इन माय स्कूल आल्सो देयर इज अ बिग गार्डन, विराम समय अहम तत्र खेलामि एंड इन द रिसेस टाइम आई एम प्लेइंग देयर। आहा अहो भवता विद्यालय रमणीय उद्यानम अपि अस्ति, बोल रहे हैं कि वाओ देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन योर स्कूल, न केवल उद्यानम, उद्याने औषध भाग भाग अपि अस्ति, वो बोल रहे हैं कि नो नॉट ओनली द दिस इज अ सिंपल गार्डन, उद्यान इन दिस गार्डन सो मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन, सो मेनी मेडिकेट ट्रीज आर हियर, मेडिकल गार्डन एंड भवता रोपिता वृक्षा अभी अस्ति वा, आर यू गोइंग मतलब बाय गोइंग विद बाय यू इज देयर एनी ट्री बाय गोइंग बाय यू, आम पश्य
बाय यू नहीं प्लांटेड बाय यू आम बस ऐसा इच्छा बयान उपिता अस्ति यस लुक आई हैव प्लांटेड दिस ट्री उत्तम तरी भवान कदा गृह कदा गच्छति तो बोला ऑल राइट देन व्हेन यू आर गोइंग टू योर होम अहम सायं पंचवादने गृह गच्छामि आई गो टू माई होम एट 5 o'clock भवतः विद्यालय ननु सुंदरम अस्ति योर स्कूल इज ट्रूली ट्रूली ब्यूटिफुल ननु मतलब रियली वास्तव में एग्जैक्टली भवतः योर स्कूल इज एग्जैक्टली वेरी ब्यूटिफुल रियली एग्जैक्टली ननु देखो इसमें एक्सरसाइज सी हियर विद्यालय प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली विद्यालय ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि विसर्ग है ना उसको ह की तरह उच्चारण करते हैं तो विद्यालय प्रतिदिनम प्रतिदिनम प्रति तब जल्दी से बोले हस्वीकार है दैट्स व्हाई प्रतिदिनम आगच्छामि आरंभः आरंभः प्रार्थना खंडः वर्ग खंडः वर्ग खंड मीन्स क्लासरूम प्रार्थना खंड मीन्स प्रेयर रूम आगच्छामि मतलब आई एम कमिंग प्रतिदिन डेली विद्यालय स्कूल आरंभ मतलब बिगनिंग क्रीडांगणम प्ले ग्राउंड क्रीडांगणम क्रीडांगणम कैसे बोलेंगे इसको क्रीडांगणम अंग और ण का संयुक्त है ये जो है अंग ग का संयुक्त है अण और मा है क्र है प्र की तरह क्र है तो क्रीडा क्रीडांगणम क्रीडांगणम उद्यानम ये देखो द आया इसको उदाहरण नहीं पढ़ना है उद्यानम द एक संयुक्त है दैट्स व्हाई यू प्रोनाउंस उद्यानम उद्यानम उत्तमम उत्तमम में भी त संयुक्त है त के ऊपर ऐसी लाइन है ना दैट्स उत्तमम त संयुक्त है उसे बोलते हैं उत्तमम उद्यानम क्रीडांगणम उत्तमम मतलब वेरी नाइस वेरी गुड बेस्ट एंड उद्यानम मीन्स गार्डन क्रीडांगणम मीन्स प्ले ग्राउंड ये आप लोग राइट डाउन करो पहले इसको अच्छे से राइट डाउन करो और भी कोई सेंटेंस अगर आप बना सकते हो तो बना लेना मतलब वो बस गलती नहीं होनी चाहिए ग्रामेटिकली आप छोटा सेंटेंस कोई बनाओ कोई बड़ा बनाओ कि मेरी शिक्षिका बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैं स्कूल में प्रतियोगिताओं में भाग लेता हूँ आई पार्टिसिपेट इन ऑल फंक्शन विद्यालय दश वादनतः प्रारंभः भवति ये भी एक लिख सकते हैं कि विद्यालय 10 बजे से स्टार्ट होता है मम विद्यालय विशाल अस्ति अस्माकं विद्यालये बहवः कक्षा सन्ति
अत्र एकं सुंदरं उद्यानं अस्ति। उद्यानं एकं पुस्तकालयं अपि अत्र अस्ति। मम विद्यालये, ये भी विद्यालय है देखो, द और उसमें से य निकला हुआ है, द और फिर यहाँ से य कर दिए, तो विद्यालय, मम विद्यालये प्रति वर्ष वार्षिकोत्सव भवति। शिक्षिका अतीव गुणिना सन्ति, अतीव गुणी सन्ति, अतीव गुणिना सन्ति, अतीव गुणिना सन्ति। अत्र प्रार्थना कक्षः अपि अस्ति। क्रीडा सामग्री अपि मम विद्यालये सन्ति। विद्यालये 10 वादनतः प्रारम्भ भवति। इतने याद कर लोगे, 5 लाइन्स लिखने हैं, करेक्ट लिखने हैं, बस डोंट वरी। ऐसे ही और भी लाइन्स लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मम विद्यालय है, मम गृहम है, होलिकोत्सव है, या नववर्ष है, दीपावली है। कभी कभी ऐसे जानवरों पे भी लिखते हैं, जैसे गो, जैसे कुकुड़ा। तो इस पे ओनली नाउ यू आर स्टार्टिंग द संस्कृत सब्जेक्ट, सो यू राइट ओनली 5 sentences in your own word and not think about mistake. Mistake के बारे में नहीं सोचना है, वो उसको सही करने के लिए मैं हूँ। हाँ, रिटेन ओके, वी मेट इन नेक्स्ट क्लास एंड यू प्रिपेयर दिस वन, मम विद्यालय।